हेलो फ्रेंड्स, रतलामी जायके में आपका वेलकम है। बारिश का मौसम आ गया है तो आज हम भुट्टे की चटपटी घुघरी बनाएंगे। मुझे कमेंट में भुट्टे की घुघरी की रेसिपी शेयर करने के लिए कहा था, इसलिए आज मैं बहुत ही टेस्टी और कुछ अलग भुट्टे की रेसिपी लेकर आई हूँ। भुट्टे का किस तो आपने हमेशा खाया है, एक बार यह रेसिपी भी आप ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगी। घुघरी बनाने के लिए ये मैंने 2 किलो भुट्टे लिए हैं। ये कड़क दाने के हैं, मतलब इसमें दूध नहीं होना चाहिए, सूखे हुए भुट्टे होना चाहिए। भुट्टे के जो ये रेशे हैं, इसे हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने बाटी वाला ओवन लिया है, इस पर हम भुट्टे सेकेंगे। आप इसे डायरेक्ट बर्नर पर भी सेक सकते हैं, लेकिन आप अगर इसमें ओवन में सेकेंगे तो एक साथ इसमें बहुत सारे भुट्टे सिक जाएंगे। गैस की फ्लेम तेज कर देंगे और इसे हम ढक देंगे ताकि सभी भुट्टे जल्दी से पक जाएं। तो हम इसे बीच बीच में थोड़ी थोड़ी देर में चेक करते रहेंगे। देखिए, ये एक साइड से थोड़े से चेंज हो गया है इसका कलर, तो हम सभी भुट्टे को थोड़ा सा पलट देते हैं और इसे वापस ढक देंगे। फिर से हम थोड़ा थोड़ा भुट्टे को पलट देते हैं। तो इस तरह से हम चारों साइड से भुट्टे को सेक लेंगे और आपको थोड़ी थोड़ी देर में इसे चेक करते रहना है ताकि भुट्टे जले नहीं। तो देखिए, ये भुट्टे सिक गए हैं थोड़े। इसे हमें बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है, मतलब काले नहीं करना है। अगर आप इसे ज़्यादा डार्क कर देंगे तो आपकी घुघरी में जला हुआ टेस्ट आएगा। तो बस हमें इसी स्टेज तक ही इसे पकाना है। इसे हम निकाल लेते हैं। सभी भुट्टे मीडियम और हाई फ्लेम करके इस तरह से हम सेक लेंगे। इसमें हम जो बाकी भुट्टे हैं वो भी रखते जाएंगे। घुघरी बनाने के लिए आप भुट्टे के दाने ही यूज करें, आपको मक्का यूज नहीं करना है। तो देखिए, ये मैंने सभी भुट्टे सेक लिए हैं और देखिए इसका कलर कितना अच्छा आया है। सब तरफ से ये बहुत अच्छे से सिके हुए हैं। आपको इसे बिल्कुल भी डार्क नहीं सेकना है। सभी भुट्टे के दाने निकालेंगे तो हम एक लाइन चाकू से निकाल देते हैं दाने की, ताकि हाथ से निकालने में आसानी हो और जल्दी से दाने निकल जाए। जो जले हुए काले दाने हैं वो मैं हटा दूँगी। ये मैंने एक लाइन निकाली है चाकू से और देखिए, अब इस तरह से आप हाथ से दाने आराम से निकाल सकते हैं और बहुत जल्दी जल्दी निकलेंगे दाने। इस तरह से हम सभी भुट्टे के दाने निकाल लेंगे। ये मैंने सभी भुट्टे के दाने निकाल लिए हैं। अब हमें इसे सुखाना है, तो मैं 2 दिन तक इसे धूप में रखूंगी। हमें इसे बिल्कुल मक्की के दाने जैसा एकदम कड़क करना है। ये देखिए, दाने मैंने अच्छे से सुखा लिए हैं, इसमें बिल्कुल भी नमी नहीं है। अब हम इसे मिक्सर में 1 मिनट के लिए चलाएंगे ताकि इसके सारे छिलके निकल जाएं। ये मैंने बड़ी जाली वाली छलनी ली है, इसे हम भुट्टे छानेंगे। देखिए, मैंने भुट्टे को हल्का सा क्रश किया है, बहुत ज़्यादा क्रश नहीं किया है। इसे हम छान लेंगे और जो ये ऊपर के भुट्टे हैं इसे हम वापस से हल्का सा क्रश कर लेंगे। इस तरह से सभी दाने को हल्का हल्का सा क्रश करके छान लेंगे। इस तरह छानने से भुट्टे की घुघरी एक जैसी निकलेगी। देखिए, एक जैसी घुघरी निकली है, लेकिन अभी इसमें छिलके हैं तो छिलके निकालने के लिए हम इसे बारीक छलनी लेंगे। ये मैंने गेहूं के आटे की छलनी ली है।
इसी तरह हम दूसरी बारीक छलनी से भी छान लेंगे सभी घुघरी को। जो घुघरी का जो बारीक चूरा है वो देखिए आप नीचे निकल रहा है, और ये जो ऊपर छिलके हैं इसके, इसे हम बाद में निकालेंगे। तो अभी हम इसे छान लेते हैं अच्छे से। घुघरी को इस तरह से पटक लेंगे ताकि जो इसके छिलके हैं वो सारे निकल जाएं। इस तरह से सभी घुघरी के छिलके निकाल देंगे, और घुघरी को छानते टाइम जो बारीक चूरा नीचे का बचा था उसे भी हम फटक लेंगे, मतलब इसके भी छिलके निकाल देंगे, और दोनों घुघरी को फिर हम मिक्स कर लेंगे। ये मैंने घुघरी तैयार कर ली है, और आप इसे एयरटाइट डब्बे में भी भरकर स्टोर कर सकते हैं, और जब मन हो तब आप इसे बनाकर खा सकते हैं। ये देखिए मैंने घुघरी के छिलके निकाले हैं। छिलके निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम घुघरी खाएंगे तो छिलके हमारे मुंह में नहीं आएंगे। अब हम घुघरी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैं 1.5 कटोरी घुघरी ले रही हूँ। अब हम इसमें थोड़ा पानी डालेंगे और इसे अच्छे तरह से धो लेंगे ताकि जो इसके छिलके बचे हुए हैं वो भी निकल जाए। इसे अच्छी तरह से धो लेंगे, और देखिए धीरे धीरे इसके छिलके ऊपर आ गए हैं, तो इसका पानी हम निकाल देते हैं। तो देखिए छलनी में सारे छिलके आ गए हैं, और जो पानी है उसे हम वापस डाल देते हैं। फिर से हम इसे धो लेंगे, तो देखिए छिलके वापस थोड़े ऊपर आ गए हैं। इस तरह से हम इसे साफ कर लेंगे। तो देखिए हमें इसे धोने पर इतने सारे छिलके निकले हैं। देखिए ये बहुत अच्छे से साफ हो गई है, इसमें छिलके नहीं है। अब हम इसमें पानी डालकर इसे 1 घंटे के लिए भिगोकर रख देंगे। 1 घंटा हो गया है, अब हम इसे पकने के लिए कुकर में रख देते हैं। जिस कटोरी से मैंने घुघरी ली थी उसी कटोरी से पानी ले रही हूँ, तो इसमें मैं 2 कटोरी पानी डालूंगी। 1/4 चम्मच इसमें नमक डालेंगे, 1 पिंच हल्दी डालेंगे, और इसमें 6 से 7 सीटी लेकर इसे अच्छे से पका लेंगे। देखिए ये बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गई है, बहुत अच्छे से पक चुकी है। इसे आपको बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है, आप चाहें तो इसे खाकर भी देख सकते हैं। कढ़ाई में 3 बड़े चम्मच तेल डालेंगे। जैसे ही तेल गर्म होगा 1/2 चम्मच राई डालेंगे, 1/2 चम्मच सौंफ, 1/2 चम्मच जीरा, 1/4 चम्मच हींग, 8 से 10 कटी हुई हरी मिर्च। हरी मिर्च का इसमें टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो आप इसमें ज़्यादा डालें। अब हम इसमें घुघरी डाल देंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे हम 5 मिनट के लिए ढक देंगे। अब हम इसमें सारे मसाले डाल देते हैं। 2 चम्मच इसमें लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच नमक। नमक हम पहले भी डाल चुके हैं, इसलिए मैं यहाँ पर 1/2 चम्मच ही डाल रही हूँ अभी। इसे हम खट्टा मीठा बनाएंगे, तो 2 बड़े चम्मच शक्कर डालेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। खटाई के लिए इसमें 1 नींबू का रस डालेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे और गैस की फ्लेम 2 मिनट बाद बंद कर देंगे।
अब हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। तो गरम गरम हम इसे सर्व करेंगे और आपको भी इसे गरम गरम ही सर्व करना है। इसके ऊपर हम बारीक कटे हुए प्याज डालेंगे, बारीक सेव डालेंगे, ये जो खमंड वाली सेव होती है मैंने वही डाली है। आप इसमें प्याज और सेव जरूर डालें क्योंकि इससे घुघरी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ऊपर से धनिया पत्ती से गार्निश कर देंगे।